अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ चुके हैं और एक प्रोजेक्टाइल क्या होता है? टू डायमेंशनली मूव करने वाला ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही हो वो कहलाता है जनाब प्रोजेक्टाइल, और उसकी मोशन कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी दोनों डायमेंशन में होने वाली मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, जैसे दो नाराज दोस्त हो ना, इकट्ठे जा रहे हो लेकिन एक दूसरे की तरफ मुंह ना करें, अलग-अलग फिर रहे हो, ऐसे ही इसकी दो डायमेंशन में होने वाली मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से इररेलेवेंट होती है। इसलिए हम दोनों डायमेंशन में होने वाली मोशन को अलग अलग से स्टडी कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। ना बेअली, हम एक प्रोजेक्टाइल को ही डिस्कस करने वाले हैं लेकिन ये खसूसी किस्म के प्रोजेक्टाइल होंगे। ये है जनाब मिसाइल्स, एक मिसाइल भी प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल में क्या खसूसियत होना चाहिए या क्या खसूसियत होगी जनाब? एक प्रोजेक्टाइल को एक इनिशियल पुश दे दी जाएगी, एक शुरू में एक धक्का फ्राहम कर दिया जाएगा, और ये जो धक्का है, ये जो फोर्स है, ये जो पुश है, ये इसके पूरे सफर के मुकाबले में बहुत थोड़े से हिस्से तक लग रही होगी। इसको इनिशियल पुश एक दे दी जाएगी, इसके बाद ये मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड ड्यू टू इट्स इनर्शिया। अपने इनर्शिया की वजह से मूव करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करेगा, और कोई फोर्स इस पर नहीं लग रही होगी। इसका मतलब यह है कि जब इसको फेंक दिया जाएगा फिर ये कहां पे जाके गिरता है इसका आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आपका कंट्रोल इस पर से खत्म हो जाएगा। जनाब मिसाइल, दो तरह के मिसाइल हैं इस हवाले से अगर हम बात करें तो। एक है जनाब अली ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, और दूसरे होंगे जनाब गाइडेड मिसाइल्स। इनमें क्या फर्क है? गाइडेड मिसाइल के तो नाम से ही जाहिर हो गया जिन्हें गाइड किया जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल हैं असल में। आगे फिर इनकी बहुत सारी कैटेगरीज आती है लेकिन हम इनकी बेसिक्स को ही डिस्कस करेंगे। नाबियाली, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल ही है। एक प्रोजेक्टाइल कैसे काम करता है? आजकल के वालदेन को इतना गुस्सा नहीं आता जितना कुछ अर्सा पहले, जितना हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को जितना गुस्सा आया करता था। वो आजकल तरह ज्यादा शरीफ किस्म के पेरेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, तो लेकिन कुछ अर्सा पहले के पेरेंट्स कोई शय उठा के मारने से गुरेज नहीं किया करते थे। तो होता ये था जनाब, जो ही आपने कोई ऐसी वैसी हरकत की या कोई ऐसी वैसी बात की, वो जनाब चप्पल उतार के या जो भी चिमटा फूकनी जो भी हाथ में आए वो उठा के मारी जाती थी। एक प्रोजेक्टाइल आता था आपकी तरफ और वो ऐसे जब मारा जाता है, ये इसको एक इनिशियल पुश दे दी गई है, अब वो आपकी तरफ आएगा। अभी आपकी हिम्मत है कि आप रास्ते से हट जाते हैं कि नहीं हट जाते, दोनों सूरतों में मसला होता था। अगर आप नहीं हटते तो आगे आपके मुंह पे या जिस्म के किसी भी हिस्से पे लगता था, तब भी डैमेज होता था, और अगर आप रास्ते से हट जाते थे टारगेट मिस हो जाता था तो पीछे एक और प्रोजेक्टाइल आया करता था। अगर आप फिर रास्ते से हट गए तो फिर और ज्यादा आपकी शामत आ जाती थी। तो शराफत का और एहतराम का तकाजा यही होता था कि आप चुप करके जूता खा लें, यानी चुप करके आप प्रोजेक्टाइल को, टारगेट को हिट करने दें, तो फिर जान बख्शी हो जाती थी आसानी से। होता यह है जी कि जब प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया गया, रिलीज कर दिया गया उसके लॉन्चिंग पैड से, अब चूंकि उस पर लगने वाली फोर्स तो खत्म हो गई है, जिसने उसको मूव करवाया है, जिसने उसको एक इनिशियल पुश दी है, वो फोर्स तो खत्म हो गई, अब उस पर लग रही है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा है जनाब उसका इनर्शिया। और अब ये मूव करेगा, टारगेट में जाएगा, अगर टारगेट रस्ते से हट गया, मूव कर गया, साइड पे हो गया, तो ये टारगेट के पीछे पीछे अपना रुख नहीं बदलेगा, बल्कि ये जिधर को जा रहा है वहीं जाके गिर जाएगा। अगे मुकद्दर तो निशाना खता हो सकता है अगर मूविंग टारगेट हो तब। बहरहाल, डेफिनेशन क्या है जनाब? बैलिस्टिक मिसाइल, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स आर कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्या? अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स आर कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। पहली बात पे, पहली बात पे बात करते हैं जी। अनपावर्ड, अनपावर्ड मतलब जिसे पावर मिलती ही नहीं। क्या ये कोई ऐसा मिसाइल है जिसे पावर ही नहीं मिलती?
नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे पावर मिलती ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसे लगातार और हमेशा हमेशा के लिए पावर नहीं दी जाती, बल्कि थोड़े से वक्त के लिए पावर दी जाती है, हमेशा के लिए पावर नहीं मिलती, सिर्फ एक इनिशियल पुश देने के लिए पावर इस्तेमाल होती है, और इसके पूरे सफर के मुकाबले में वो हिस्सा बहुत कम है, नेग्लिजिबल इस्तेमाल है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा, इसलिए ये कहलाते हैं अनपावर्ड मिसाइल्स। ये प्रोजेक्टाइल ही है, जैसे प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा फेंकने के लिए जोर लगाना है थोड़े हिस्से तक पूरे सफर के मुकाबले में, ऐसे ही इन मिसाइल्स को भी सिर्फ एक इनिशियल धक्का देने के लिए फ्यूल इस्तेमाल होता है, पूरे सफर के दौरान फ्यूल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अनपावर्ड, अनगाइडेड, बगैर गाइड किए, बगैर निशाना लिए फेंक दें, जिधर को मर्जी, जिधर मर्जी जाके मिले, जिधर को मर्जी जाके गिरे, अपने फौजी मारी जाए, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बगैर निशाना लिए फेंक दीजिए, इसका मतलब ये है कि आपने एक तरफ को मुंह करके किसी भी तरफ को एक पर्टिकुलर एंगल पर इसे लॉन्च कर दिया है, अब इसे मुसलसल गाइड नहीं किया जाएगा, जिधर को फेंक दिया फेंक दिया, इधर को फेंक दिया, इधर को फेंक दिया, इधर को फेंक दिया, अब लॉन्च कर दिया है, अब हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, बैठ के दुआ करेंगे या अल्लाह टारगेट वहीं पे रहे और रस्ते में मिसाइल बिंगा चिबा ना हो जाए, वो हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। बहरहाल इनको लगातार गाइड नहीं किया जाएगा, ये ऐसा ही है जैसे कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वो जो कमान से निकला हुआ तीर है वो भी एक प्रोजेक्टाइल है, उसको भी आप खींच के छोड़ देते हैं ना, वो फिर जाता है बस अल्लाह के आसरे, वो एक प्रोजेक्टाइल है, वो अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल है असल में। Unpowered and unguided missiles are called ballistic missiles. और ये जो मिसाइल हैं, देखिए ये अगर आपने एक दफा हाथ से फेंक दिया तो ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि निशाने पे लगे, निशाना खता ना जाए, तो ज्यादा दूर टारगेट नहीं होना चाहिए, ये शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर एक्चुअली शॉर्ट रेंज मिसाइल। यहाँ शॉर्ट रेंज से मेरा मतलब ये नहीं है कि अपने घर में ही मिसाइल फायर करते रहें या अपने मुल्क में ही मिसाइल फायर करते रहें, यहाँ 2,000, 4,000, 5,000, 7,000 किलोमीटर तक शॉर्ट रेंज ही कंसिडर की जाएगी। ये शॉर्ट रेंज उस वक्त तक शॉर्ट रेंज है जब तक टारगेट मिस होने का खदशा ना हो, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जनाब शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं और चूंकि ज्यादा लंबे सफर पे इन्होंने नहीं जाना, ज्यादा दूर इन्होंने नहीं जाना, तो दीज मिसाइल्स कंसिडर द अर्थ एज फ्लैट, दीज आर यूज्ड अर्थ एज फ्लैट, फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन करते हैं, इसमें जमीन को फ्लैट मानते हैं, हालांकि जमीन तो कर्व्ड है, ये ना जमीन तो ऐसे कर्व्ड है, लेकिन अगर लंबे सफर पे जाना है, लंबे टारगेट पे जाना है, रेंज अगर ज्यादा रखना है तो जमीन का कर्वेचर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर थोड़े फासले पे जाना है तो जमीन के कर्वेचर में इतनी कम तब्दीली आएगी कि यहां से लेकर यहां तक जाना है मिसाइल ने, तो यहां से लेकर यहां तक जाते हुए जमीन का कर्वेचर या तो बिल्कुल नहीं होगा या फिर निगलिजिबली इस्तेमाल होगा, इतना कम होगा कि उसकी वजह से मिसाइल के पाथ पे और टारगेट पे हिट करने के मामले पे कोई मसला नहीं होगा, कोई असरअंदाज नहीं होगी ये शायद, इसलिए जमीन को फ्लैट ही कंसिडर किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स के केस में। अनपावर्ड एंड अनगार्डेड मिसाइल्स के केस में जमीन को फ्लैट ही कंसिडर किया जाता है। टू डायमेंशन में होने वाली इसकी मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन में सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया इन्वॉल्व है, वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन का असर इस पर निगलिजिबली स्मॉल होगा। तो जनाब मौसमी हालात का असर नहीं होगा, टेम्परेचर का असर नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट रेंज तक इसलिए मार करना है, थोड़ा सा वक्त लगेगा पॉइंट ऑफ लॉन्च से लेकर टारगेट तक पहुंचने में, इतने थोड़े वक्त में इतनी थोड़ी रेंज तक। देखिए जी, हमने पाकिस्तान ने मिसाइल अपने फायर करना है, अगर जंग लगती है हम मिसाइल कहाँ फायर करेंगे, किधर को फायर करेंगे, हमने को अफ्रीका पे, युगंडा पे या अमेरिका पे, लैटिन अमेरिका पे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पे तो फायर नहीं करने, हमारे तो जनाब यार दुश्मन ले दे के हमारे दुश्मन सारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हैं, हमने तो इधर फायर करना है, और मौसमी हालात हमारे और उनके बराबर हैं, एक जैसे हैं तकरीबन, इसलिए जहां से मिसाइल लॉन्च किया जाएगा और जहां पे जाके गिरेगा उसे घर जैसा माहौल ही मिलेगा,
इसलिए मौसमी असरात के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जहां से लॉन्च किया जाएगा, जहां पे जाके गिरेगा, टेम्परेचर में डिफरेंस भी कोई इतना ज्यादा नहीं होगा, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेदर एंड टेम्परेचर ऑन शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, ऑन बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये भी असर नहीं होगा। और जनाब नो इफेक्ट ऑफ एरोडायनामिक फोर्सेस, एरोडायनामिक फोर्सेस का भी इस पे असर नहीं होगा। एरोडायनामिक, एरो एयर से, डायनामिक इन मोशन, हरकत में होना, एरोडायनामिक फोर्स कौन सी है? ये वो फोर्स है ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर, जैसे कि विंड स्टॉर्म, गेल, गेल का लफ्ज भी हम इस्तेमाल करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, नेरी स्टॉर्म के मानों में आंधी, तो नेहरी का, आंधी का असर भी इस किस्म के मिसाइल पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? हो सकता है रास्ते में आंधी चल रही है, वो मिसाइल का रुख मोड़ दे। एक तो ये कि इनका मैस अच्छा खासा ज्यादा होगा, थोड़ी बहुत आंधी से हवा चलने से फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि चूंकि रेंज थोड़ी है, इतनी दूर तक जाना ही नहीं कि असर पड़ सके, थोड़ी दूर तक जाना है, आसानी से टारगेट को हिट कर लेगा। क्योंकि आपने उठा के को बट्टा या पत्थर मारना है, करीब ही मारना है किसी को, टारगेट के हिट होने के चांस ज्यादा होंगे, ये चांस बहुत कम होंगे कि टारगेट मिस हो जाए। अगर दूर फेंकना है, टारगेट जरा दूर बैठा है, तब आप जब मारेंगे हो सकता है टारगेट उठ के दौड़ जाए। तो ये जो मिसाइल हैं मूविंग टारगेट्स के लिए ये मुनासिब नहीं है, ये डिसएडवांटेजेस हैं इनके। मूविंग टारगेट्स के लिए ये सही नहीं है, ये फेवरेबल नहीं है। ओ जनाब ये जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इनके पाथ को क्या कहते हैं? पाथ ऑफ दीज मिसाइल्स आर कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं इनके पाथ को? बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ, रास्ता। पाथ फॉलोड बाय बैलिस्टिक मिसाइल्स इज बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। सवाल होगा कि पाथ क्या है इसका? पाथ है बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। पाथ कैसा है? विच इज पैराबोलिक फॉर आइडियल केस। आइडियल केस के लिए फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, तो पाथ इसका बिल्कुल जैसे ये देखिए बना हुआ है, बिल्कुल गोलाई में है, एन पैराबोलिक है। आइडियल केस के लिए ये पाथ पैराबोलिक पाथ है, रियल केस में कुछ फर्क पड़ेगा, वो भी हम जरा डिस्कस करते हैं। तो जनाबे आली डिसएडवांटेज क्या है कि लॉन्ग रेंज के लिए यह सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लंबे फासले पे मार करना है, टारगेट आपका ज्यादा दूर है, ये जमीन है ना, यहां से लेकर आपने मिसाइल फायर करना है जनाबे आली कनाडा पे, ये यहां पे है, तो आधी जमीन क्रॉस करके जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि टारगेट जमीन के कर्वेचर के हिसाब से मूव करेगा, जमीन के कर्वेचर को मद्देनजर रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स व्हाट शुड बी कंसिडर्ड? कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसिडर करना पड़ेगा, जमीन की रोटेशन कंसिडर करना पड़ेगी। टारगेट अगर मिसाइल यहां से हवा में गया, जमीन रोटेट कर रही है, जमीन की रोटेशन की वजह से टारगेट मिस हो सकता है, जमीन के कर्वेचर की वजह से टारगेट मिस हो सकता है, और मौसमी हालात की वजह से टारगेट मिस हो सकता है। आपने गर्म इलाके से, सिब्बी के इलाके से, थर के सहरा से मिसाइल फायर किया और उसे गुजरना पड़ा वहां से, जहां रशिया के किसी इलाके से गुजरना पड़ा जहां टेम्परेचर है -50 -60 सेल्सियस, तो टेम्परेचर में इतनी वेरिएशन में हो सकता है कि आपने जो मिसाइल डिजाइन किया है वो इतने लो टेम्परेचर पे काम ही ना करे, उसका फ्यूल इग्नाइट ना हो सके, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो उसको टारगेट पे रखता है, पाथ पे रखता है, वो खराब हो जाए, तो इसकी वजह से वो टारगेट मिस कर सकता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल में वेदर कंडीशन की वजह से टारगेट मिस हो सकता है, जमीन के कर्वेचर की वजह से टारगेट मिस हो सकता है, और जमीन के कर्वेचर की वजह से, जमीन की रोटेशन की वजह से टारगेट मिस हो सकता है, एरोडायनामिक फोर्सेस की वजह से टारगेट मिस हो सकता है लॉन्ग रेंज मिसाइल में। तो लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज मिसाइल में आपको एरोडायनामिक फोर्सेस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, जमीन को फ्लैट ही हम मानेंगे, और जमीन की रोटेशन, जमीन का कर्वेचर, क्योंकि इतना थोड़ा टाइम लगेगा शॉर्ट रेंज मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने में कि इन सारी चीजों से कोई उस पर असरअंदाज नहीं होगा, पलक झपकने में पहुंच जाएगा, 2-3 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल ने वक्त ज्यादा लगना है, टारगेट को टाइम भी मिल जाएगा मूव करने का, और जमीन का कर्वेचर भी, हो सकता है टारगेट कोई वैन हो, कोई शिप हो, कोई ऐसी शय हो जो मूवेबल है, या जमीन की रोटेशन की वजह से टारगेट इधर उधर हो सकता है, जमीन के कर्वेचर की वजह से मसला हो सकता है, वेदर कंडीशन की वजह से मसला हो सकता है। तो जनाब लॉन्ग रेंज मिसाइल में आपको इन सारी बातों को कंसिडर करना पड़ेगा,
अब इससे बचने के लिए क्या किया जाएगा, तो होगा ये। अच्छा, इस पे वाले बात करते हैं, पहले ग्राफ पे बात कर लीजिए। आइडियल केस में जो मिसाइल है वो पैराबोलिक है, लेकिन जो इवन शॉर्ट रेंज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल भी है, रियल केस में फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत असर उस पे लाजमी होगा, जिसकी वजह से पाथ उसका प्योरली पैराबोलिक नहीं रहेगा। आइडियल केस में तो ये था पैराबोलिक, लेकिन रियल केस में क्या हो जाएगा, ये इलिप्टिकल हो जाएगा, इलिप्टिकल। आइडियल केस में पैराबोलिक बिल्कुल गोलाई में, लेकिन रियल केस में इलिप्टिकल, इलिप्स, अंडे जैसा बेयज़वी हो जाएगा। यानी अगर फ्रिक्शन ना होती तो यहां पे जाके गिरना था, फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ गया, तो ये अगरचे थोड़ा फर्क पड़ेगा लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम आपके सिलेबस में इस बात को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो चले ठीक है, हो गई। हम बात कर रहे थे अब लॉन्ग रेंज मिसाइल की। तो लॉन्ग रेंज मिसाइल में जो हमने मिसाइल डिस्कस किए हैं अभी थोड़ी देर पहले, इनकी वजह से टारगेट मिस हो सकता है। अब इसका क्या इलाज करें, इसका क्या हल है हमारे पास कि टारगेट मिस ना हो। हम ये करेंगे जनाब, एक बंदे ने बात सुनाई, एक स्टेडियम में वाला लतीफा सुन लीजिए। कहते मेरे चाचा जी ने एक ऐसी गोली ईजाद की है, बुलेट, कि पिस्तौल से उसको फायर करें, जिस बंदे का निशाना लेके फायर करेंगे बुलेट जाएगी, देखेगी, अगर बंदा घर है तो उसको लग जाएगी, नहीं तो बुलेट पौड़ियां थल्ले मतलब सीढ़ियों के पास बैठ जाएगी, और जो ही वो बंदा घर में दाखिल होगा बुलेट उठ के जाके उसके मत्थे में लगेगी। ये है जनाब गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल क्या होगा, देखिए जी, अनगाइडेड मिसाइल को तो आपने यहां से फेंक दिया, अब यहां पे जाके गिरा, वहां पे टारगेट है नहीं है, इधर उधर हो गया, किसी वजह से मिस हो गया, या रास्ते में आंधी आ गई इतनी ज्यादा के मिसाइल इधर चला गया, जहां पे गिरने की बजाय वहां पे गिर गया जाके, मसला हो सकता है। गाइडेड मिसाइल में क्या होगा कि आप उसे लॉन्च करेंगे, फेंकेंगे और लगातार मॉनिटर करते रहेंगे, देखते रहेंगे, और उसे आप गाइड कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल जैसे। दो तरह से गाइड किया जा सकता है, या तो आप रिमोट कंट्रोल की मदद से गाइड करेंगे मिसाइल को, और या फिर टारगेट फिक्स कर देंगे, और अगर वो टारगेट इधर उधर हो गया तो मिसाइल भी अपना रास्ता बदल के उसको हिट किए बगैर दम नहीं लेगा, चैन की नींद नहीं सोएगा, फटेगा नहीं। हो सकता है कि टारगेट मूव कर जाए, रास्ते में कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए, रास्ते में ट्रैफिक इतनी हो, भाई आपका मिसाइल ऐसे ऐसे करके जैसे लाहौर में चिंगची चलाते हैं वैसे मिसाइल मूव करे, वो गाइडेड मिसाइल होगा जिसे गाइड करना पड़ेगा, या जो रास्ते में अपना रुख बदलने की सलाहियत रखे वो गाइडेड मिसाइल है। और ये चूंकि उसे रुख बदलना होता है, इसलिए इसे फ्यूल भी हर वक्त मिलना चाहिए, पावर भी हर वक्त मिलना चाहिए। तो जनाब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आर पावर्ड एंड गाइडेड। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आर, मैं यहां पे लिख भी दूं ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आर पावर्ड एंड गाइडेड मिसाइल्स। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं वो पावर्ड, उन्हें लगातार पावर मिलती रहेगी, एंड गाइडेड, और उन्हें गाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये आपने एक बच्चे को, किसी को घर में से किसी को दही लेने भेजा बाजार, वो गया थोड़ी देर बाद वापस आ गया, कहते दुकान नहीं सी खुली, ये अनपावर्ड और अनगाइडेड था। एक दफा भेज दिया कि फलां दुकान से दही लेके आना है, नहीं मिला, वापस आ गया, टारगेट मिस हो गया। इसकी बजाय बच्चे को आप भेजते हैं दही लेने के लिए, एक दुकान पे गया नहीं मिला, उसने घर फोन किया, मामा जी वो तो शॉप ही बंद है, या वहां पे दही अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है दही, या वो तो जनाब खट्टी है दही, अब क्या करें। मामा कहती है बेटा साफ है दुकान से पता करो, वहां से नहीं मिला, अगले मोहल्ले में चले जाओ, अगले बाजार में चले जाओ। उसे लगातार गाइड किया जा रहा है, ये गाइडेड मिसाइल है जो रास्ते में रुख बदलने की सलाहियत रखता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में आप पावर्ड मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, बैनुल बर्रे आजमी मिसाइल, जो एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम तक मार करने वाले हैं, ज्यादा लंबी रेंज वाले हैं। हमारे पास, पाकिस्तान के पास गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, लेकिन हमें कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है उनकी, हमें शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने तो पड़ोस में फायर करने हैं, जब भी करने हैं, अमेरिका में थोड़ी हमने फायर करने हैं, करने भी नहीं चाहिए, चौधरी ने कुत्ते ने बट्टा मार के जाना कितने, मतलब
कि जरूरत ही नहीं हमें उन पे, उनके तो हम थले लगे हुए वैसे ही। तो हमने तो अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो गुआंढियों ने ही सिर पैना, वहीं पे जरूरत पड़ेगी। इसलिए ज्यादातर हमारे पास शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल ही हैं, कुछ हजार किलोमीटर मार करने वाले मिसाइल हैं जो कि अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स हैं। चलें जी, अभी आपको एक दो वीडियो दिखाते हैं, एक अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल की और दूसरी गाइडेड मिसाइल की, उसके बाद फिर हम बाकी बात फिर हम आगे करेंगे। हाँ जी, देखिए जनाब, पहली वीडियो देखिएगा, ये पाकिस्तानी मिसाइल नसर का तजर्बा किया जा रहा है जनाब, और ये लॉन्च किया। आप देखें लॉन्चिंग पैड का एंगल एक मखसूस होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे रख के इसे फायर करना होता है, जो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे इसकी, कहाँ तक इसकी मार चाहिए, कहाँ तक इसकी रेंज चाहिए। तो ये जाएगा, उसके बाद ये अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल, आपने जब धक्का मार दिया अभी शुम, अब ये जा रहा है जी और टारगेट को हिट करेगा। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। हाँ जी, अब सेकंड वीडियो में हम देखेंगे जनाब गाइडेड मिसाइल, पावर्ड मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल। देखें जनाब, ये वाली वीडियो शुरू होने लगी है, देखें जी। तो जनाब इसमें पहले फायर किया जा रहा है, बुलेट्स जा रही हैं, ये अनगाइडेड हैं, और सिंपल जो बुलेट्स हैं ये फायर होती हैं, रास्ते में रुकावट आ गई, दीवार आ गई, टारगेट को हिट नहीं कर रही, हमारा मसला हल नहीं हो रहा, हमारा मकसद पूरा नहीं कर रही हैं, ये जा रही हैं जनाब और आगे जाके रुकावट से टकरा के, लो जी ये तो खराब हो गई। तो हमें चाहिए जनाब यहाँ पे गाइडेड मिसाइल, हमें चाहिए वो मिसाइल जो रास्ता बदल ले। हमने टारगेट को सेट किया, देखा जी टारगेट कहाँ पे है, ये देखिए अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा इस एनिमेशन में, आपको मिजाज रास्ता बदलता हुआ नजर आएगा जी। मैं जब तक जरा सांस ले लूं, टारगेट सेट किया जा रहा है अभी, देखते रहिए हमारे साथ। वो यहां पे ये जारी बात है, आपने उसको गाइड करना है तो उसके लिए कुछ सिग्नल चाहिए, या तो सैटेलाइट से सिग्नल मिलेंगे या लेजर गाइडेड मिसाइल भी होते हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीना वगैरह चाहिए होता है। ये देखिए जी, पहले हम इनको इंस्ट्रक्शन देंगे, आजकल कंप्यूटर से ही कंट्रोल होने वाले होते हैं सारे। तो जी वैसे भी ये फायर होने के लिए तैयार है, पहले मरहले में देखें जनाब, ये बैरल से जो निकलेगा मिसाइल, ये अगर हम इसे अनगार्डेड तरह से फेंकें, सिंपल प्रोजेक्टाइल की तरह से फेंकें, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि उसे तो लगातार पावर मिल रही है एलिवेशन सेट करके, पहले ये प्रोजेक्टाइल की तरह हम थ्रो करने लगे हैं। तो जनाब ये फायर होने लगा है जी, ओ हो गया, ये तो ठीक है जी, टारगेट इसने हिट कर दिया। देखिए अगर टारगेट थोड़ा बड़ा हो या टारगेट नीचे हो और सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही डैमेज हो सके, नीचे जो असल टारगेट है वो सेफ रह जाए, अब क्या करें जी, या रास्ते में ऐसे पहाड़ी आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, अब क्या करें, अब इसके ऊपर से होके मिसाइल फायर होगा, ये गाइडेड मिसाइल होगा और ये रास्ते में अपना रुख बदलने की सलाहियत रखता होगा। ये ड्रोन से जितने अटैक होते हैं ये गाइडेड होते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है जीपीएस की मदद से, हम फिफ्थ चैप्टर में जाके पढ़ने वाले हैं इसे, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से वो अपना रुख बदल सकता है, टारगेट को हिट किए बगैर नहीं जाएगा। तो ये जा रहा है, देखा जी अपना रास्ता बदलता जा रहा है दरमियान में रास्ते में ही, तो टारगेट को हिट करने के लिए ये अगर इसे जिगजैग पाथ भी अडॉप्ट करना पड़ेगा ये करेगा। ए लो जनाब, अली टारगेट हिट कर दिया इसने, चलो जी। तो जनाब ऐसा है जी कि अभी हमने अनगाइडेड भी और गाइडेड मिसाइल भी देखा। अच्छा एक अहम बात है, आपने अक्सर सुना होगा खबरों में, न्यूज चैनल्स पे अक्सर खबर आती है कि जी पाकिस्तान ने फलां किस्म के मिसाइल का तजर्बा किया, इंडिया ने फलां किस्म के मिसाइल का तजर्बा किया। ये मिसाइल का तजर्बा करने में क्या सेंस है, क्यों हम तजर्बा करते हैं, हम अखबार में खबर छपवा देंगे जी पाकिस्तान ने फलां मिसाइल बना लिया, इंडिया ने फलां मिसाइल बना लिया, डर जाओ साढ़े तो, डर जाओ साढ़े तो, तजर्बा करने की क्या जरूरत है जनाब। दो वजहों से तजर्बा करने की जरूरत है, पहली वजह तो ये है कि दुश्मन को और इर्द गिर्द के लोगों को यकीन आ जाए कि सिर्फ गल्ला ही नहीं बनिया, इनके पास वाकई में है,
ऐवें ही नहीं खबरें उड़ाते फिर रहे, नहीं तो हो सकता किसी को यकीन ही ना आए। दूसरा और ज्यादा अहम और ज्यादा सीरियस इशू क्या है तजर्बा करने के पीछे, जो मकसद असल मकसद है वो क्या है? जंग के दिनों में सबसे अहम बात ये होती है कि मिसाइल जाके निशाने पे लगे, टारगेट को हिट करे। ये ना हो कि हम फायर करते रहें और निशाने पे ही ना लगे, तो फायदा क्या जी फायर करने का? अब होता ये है कि हमने प्रोजेक्टाइल के लिए, अगर हमारे पास शॉर्ट रेंज मिसाइल है, प्रोजेक्टाइल की रेंज के लिए हमने इक्वेशन बना ली Vi² / g sin 2 थीटा। हमें पता है कि इतना फ्यूल देंगे, इसे इनिशियल पुश इतनी मिलेगी, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, इतने एंगल पे लॉन्च करेंगे, इतनी दूर ये जाके गिरेगा। जब हम उसे फायर करते हैं तो पता चलता है कि आइडियल केस में फ्यूल की कैलकुलेशन और थी, रियल केस में वो फ्यूल उतने फासले तक ले जाने के काबिल ही ना हो सका। पाकिस्तानी फ्यूल था, मिलावटी इतनी थी, या रास्ते में फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा बहुत मसला हो गया, टारगेट को हिट नहीं कर सका, कोऑर्डिनेट्स में कोई मसला हो गया थोड़ा बहुत। तो जनाब जब बना के रखते रहे, चलाने का वक्त आया, ठुस कर गया, मतलब ये कि टारगेट को हिट ही नहीं कर सका, तो ये तो काम खराब हो गया। ये तो सिंपल इक्वेशन है। असल इक्वेशन जो प्रोजेक्टाइल की मोशन की है, इन बैलिस्टिक मिसाइल्स की है, वो अगर हम देखेंगे तो उसमें ये शायद ढूंढने से शायद हमें नजर ही ना आए, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो करना क्या है जनाब कि हम थियोरेटिकली उसको एडजस्ट करेंगे, जो भी कैलकुलेशन है वो करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद इस इन इक्वेशंस के मुताबिक जो हमने थियोरेटिकली कैलकुलेशन की है, या यूं कह लीजिए कि जो हमने हिसाब किताब लगाया है, उस हिसाब किताब के मुताबिक हम उसको उतने एंगल पे लॉन्च करेंगे, उतने फ्यूल के साथ, उस सिमत में, उस इलाके में, उस टेम्परेचर में जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। तो जब फायर करेंगे, अब हम मॉनिटर करते रहेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे रस्ते में पूरा, जब तजर्बा करते हैं पॉइंट ऑफ लॉन्च से लेकर पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड तक रस्ते में सेंसर्स लगे होते हैं जो उसकी मोशन को मॉनिटर करते हैं। तो हम मॉनिटर करते रहेंगे साथ साथ और देखेंगे कि क्या जो हमने हिसाब किताब लगाया था, जो हमारी कैलकुलेशन थी, क्या ये उसके मुताबिक ही अमल कर रहा है। अगर है तो ठीक है, अगर फर्क है तो कितना फर्क है, फिर देखेंगे कि वो फर्क किस वजह से है। तो हम उसको टेबुलर फॉर्म में डाटा लिखते हैं, एक दफा फायर किया फला जगह पे, फला एंगल पे, पहाड़ी इलाके में, जंगलात में, सहराई इलाके में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में, उसके तजर्बात करके हम उसको टेबुलेट करते हैं डाटा को, और फिर देखते हैं कि थ्योरी की वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्या फर्क है। उसके मुताबिक इक्वेशंस को मॉडिफाई करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ताकि डिजाइन उस हिसाब से रखा जाए के जब मौका आए तो जिस टारगेट पे हम निशाना लेके उसको फेंके, लॉन्च करें, ये टारगेट को सही तरीके से हिट कर दे। ये बहुत जरूरी है। अगर वो मिसाइल टारगेट को हिट करने जोगा है ही नहीं, तो फिर उसके बनाने का फायदा क्या? तो जनाब बैलिस्टिक मिसाइल असल में प्रोजेक्टाइल ही है। ज्यादा लॉन्ग रेंज के लिए, ज्यादा लंबी रेंज के लिए हम गाइडेड और पावर्ड मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। जो घरों में आपकी मरम्मत के लिए मिसाइल इस्तेमाल होने हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल ही हैं, जो कि अनपावर्ड और अनगार्डेड हैं। हमने भी, हमारे पास भी, बीइंग अ नेशन, हमारे पास जो मिसाइल्स हैं ये मोस्टली बैलिस्टिक मिसाइल्स ही हैं, क्योंकि हमने शॉर्ट रेंज तक ही इस्तेमाल करने हैं। हमने ज़्यादा चांस यही है कि ईस्टर्न बॉर्डर पर ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके अलावा और हमारी कोई खास इतनी ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें एक्सपोर्ट करने की, बेचने की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो जनाब इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल का टॉपिक ख़त्म होता है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।